कभी फंस जाए, कोई भी बच्चे फंस जाए, तो किस तरीके से आप चारों डायरेक्शन में फंस सकते हैं। कि गर्ल्स बताने के साथ साथ अपने आप भी डिपेंडेंट हो, कि गर्ल्स अगर आप जा रहे हो कहीं से भी नॉइज भी होनी चाहिए उनके अंदर, अपने हाथ पैर चलाने थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, मोस्टली छोटी हो बड़ी हो कोई भी गर्ल्स हो थोड़ा बहुत सभी को आना चाहिए। बस बच्चियां हुई महिलाएं हुई हर रूप में सशक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें सोशल अवेयरनेस की भी जरूरत है। जिस प्रकार की यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और इन बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये भी एक तरीका है बच्चों को सुरक्षा के प्रति सजग होने का और अपनी आत्मरक्षा का, खुद में क्या पहल करनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा अहम शुरुआत है। ये लड़कियों के अंदर मोटिवेशनल भी है और सकारात्मक भी हैं, और बच्चियों के अंदर जो उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से उभर के आएगा। बोला था कि इंटरनेट का इस्तेमाल कम कीजिए, लेकिन इंटरनेट का जो इस्तेमाल अभी मेरे आयोग में जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो शादीशुदा लड़कियाँ हों या अगर हम कहें कि कहीं प्रशासनिक ऑफिस हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी जगह ये पाया जाता है कि जब हम दोषी देखते हैं कौन करा रहे, तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं दोषी हो। टीनेजर बच्चे हैं, इनको अपने बारे में ये सही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, घर वालों के कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, घर से ही सॉल्यूशन होता है, घर समाज का निर्माण भी पहले घर से ही होता है। बच्चे इस बेटी के अंदर सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आज छात्र संघ ने जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन एक व्यक्ति पूरे समाज को जागृति दे सकता है, एक व्यक्ति पूरे समाज को चेतना दे सकता है, यदि उसके अंदर स्वयं चेतना जाए।